गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम इन द ग्रुप ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस। आज हम करने वाले हैं पार्ट फोर, जो कि चैप्टर फिफ्थ का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कल हमने पढ़ा था सेल्स के बारे में, और आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स के बारे में, जो कि एक यूकैरियोटिक सेल्स का पार्ट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनके बीच में डिफरेंसेस पढ़ते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में। कल भी बताए थे मैंने आपको इनके बीच में डिफरेंसेस। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है, लार्ज विद अ डिस्टिंक्ट आउटलाइन। जो इनकी आउटलाइन होती है, जो इनकी कवरिंग होती है, वो बड़ी होती है प्लांट सेल की, यूजुअली स्मॉल, और उनकी स्मॉल होती है किसकी, एनिमल सेल की। ठीक है, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है किसमें, प्लांट सेल में। द सेल मेम्ब्रेन इज सराउंडेड बाय द सेल वॉल। तो सेल की मेम्ब्रेन होती है वो किससे कवर होती है, सेल मेम्ब्रेन से। मतलब द सेल मेम्ब्रेन इज कवरिंग आउटर, सॉरी, सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ ए सेल। सेल मेम्ब्रेन जो है किसकी आउटर कवरिंग होती है, सेल की। ठीक है, द सेल मेम्ब्रेन इज सराउंडेड बाय द सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ये बात हमको पता है। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, ये भी कल मैंने बताया था, प्लास्टिड जो है प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड्स क्या होता है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। प्लास्टिड्स आर अब्सेंट इन एनिमल सेल, ये भी बताई थी मैंने आपको बात। अ लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट इन द सेंटर। वैक्यूल क्या होता है, जहां पर फूड वगैरह स्टोर हो। ठीक है, वैक्यूल्स आर अब्सेंट हाउएवर इफ प्रेजेंट दे आर स्मॉल। मैंने बताया था इसके अंदर तो प्रेजेंट होता है, लेकिन लार्ज उसमें होता है साइज में, और यहाँ पर अब्सेंट होता है, अगर होता भी है तो बहुत छोटा होता है। सेंट्रोजम इसमें एब्सेंट होता है, और सेंट्रोजम इसमें प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म इसमें होता ही नहीं है। साइटोप्लाज्म इज डेंसर एंड मोर ग्रैनुलर, ऑलमोस्ट फिल द, इसमें ऑलमोस्ट जो है साइटोप्लाज्म फिल होता है, लेकिन सो डेंस, बहुत गहराई में होता है। ठीक है, गोल्गी अपैरेटस है स्मॉलर यूनिट कॉल्ड डिक्टोइजम्स, ये भी कल बात बताई थी मैंने। गोल्गी अपैरेटस होता है किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर, लेकिन स्मॉल यूनिट में होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, डिक्टोइजम्स। गोल्गी अपैरेटस इज हाईली कम्प्लेक्स, इसमें ज्यादा हाईली होता है एंड प्रोमिनेंट। ये सब क्या होता है मैं बताता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड खोलने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म क्या बोल रहा था मैं, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इज द, ये बोल सकते हो, साइटोप्लाज्म इज द फ्लूड, एक फ्लूड होता है फाउंड इनसाइड द सेल, जो कि कहाँ मिलता है, एक फ्लूड होता है साइटोप्लाज्म इज द फ्लूड, एक फ्लूड होता है जो कि कहाँ मिलता है, फाउंड इनसाइड द सेल, सेल के अंदर मिलता है, इनसाइड द सेल। अब पता लग गया साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म एक फ्लूड होता है, कोई बहने वाला पदार्थ जो कि सेल के अंदर मिलता है। इट गिव्स द स्ट्रक्चर टू द सेल, हाउसेस डिफरेंट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल। ये क्या करता है, इट गिव्स द स्ट्रक्चर टू द सेल, ये जो है स्ट्रक्चर देता है किसको, किसको स्ट्रक्चर देता है, सेल को। ठीक है, ये बस इतनी बात याद रखो, आपको इतनी जाननी है, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब हम पढ़ने वाले हैं गोल्गी अपैरेटस क्या होता है। गोल्गी अपैरेटस को आप पोस्ट ऑफिस भी बोल सकते हो, किसका, सेल का। सेल का पोस्ट ऑफिस किसको बोल सकते हो आप, जहां पर कुछ भी डालते हो, किसको, गोल्गी अपैरेटस को, गोल्गी अपैरेटस को। ठीक है, ये क्या करता है, ये या तो प्रोटीन को पैकेज करता है, प्रोटीन को, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, ये क्या करता है, प्रोटीन्स को पैकेज करता है एंड ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन अक्रॉस द साइटोप्लाज्म, और ये ट्रांसपोर्ट भी करता है, ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन अक्रॉस द साइटोप्लाज्म, साइटो
समझ आ गई बात कि मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, गोलगप्पेटस को हम जो है पोस्टर फिश भी बोलते हैं सेल का, और ये क्या करता है प्रोटीन को पैकेज भी करता है और ट्रांसपोर्ट भी करता है अक्रॉस द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अक्रॉस। अब क्या क्या रह गया हमारे पास इसमें से, एक तो सेंट्रोसम रह गया और एक प्लास्टिड रह गया। प्लास्टिड के बारे में हम पहले जान लेते हैं, प्लास्टिड क्या होता है पहले इसको हम क्लियर डाटा कर देते हैं। प्लास्टिड नवेटा बहुत प्रकार के होते हैं, प्लास्टिड जो है वेरियस टाइप्स के होते हैं, और कुछ सेल्स जो है किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, कुछ सेल्स जो है किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, पिगमेंट के ऊपर, पिगमेंट जो कि वो कंटेन करके रखते हैं, जो पिगमेंट वो कंटेन करके रखते हैं उसके ऊपर बेस्ड होते हैं कुछ सेल, ठीक है। द क्लोरोप्लास्ट इज द प्लास्टिड, एक क्लोरोप्लास्ट क्या है, प्लास्टिड है ना, वेयर द फोटोसिंथेसिस अगर, जहां पर फोटोसिंथेसिस होती है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट हमने जब फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस होती है वहां पर सुना है, क्लोरोप्लास्ट इज द प्लास्टिड वेयर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज अगर, जहां पर फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस क्या करता है, क्लोरोफिल क्या करता है, चलो ये बताओ, क्लोरोफिल हेल्प करता है किसी भी पेड़ के पत्ते को हरा रखने में, और फोटोसिंथेसिस जो है उसका खाना बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। और कुछ प्लास्टिड जो है क्रोमोप्लास्ट भी होते हैं और ल्यूकोप्लास्ट भी होते हैं, क्या होते हैं, कुछ प्लास्टिड जो है ल्यूकोप्लास्ट भी होते हैं और क्रोमोप्लास्ट भी होते हैं। वैक्यूल मैं आपको बता रहा था, वैक्यूल क्या होता है, वैक्यूल आर लार्ज विसाइल वेस, आप ये बोल सकते हो लार्ज वेसिकल्स बोल सकते हो, डेट होल्ड वाटर, जो कि वाटर को भी होल्ड कर लेता है, एयर को भी होल्ड कर लेता है और स्टोर करके रखता है उसमें। ये भी कह सकते हो कि वैक्यूल्स जो है, ये जो वैक्यूल्स लिखा हुआ है ये जो है कॉमन होता है किसके अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर एंड एनिमल सेल्स के अंदर। एनिमल्स द वैक्यूल्स आर अदर वेरी स्मॉल और एब्सेंट, एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल जो एब्सेंट होता है और होता भी है तो बहुत छोटी मात्रा में होता है। वैक्यूल्स क्या होता है, वैक्यूल्स जो है क्या होल्ड करके रखता है, वाटर और एयर, ठीक है, वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है। इज दैट क्लियर, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, और क्या बताना रह गया, सेल वॉल भी बता चुका हूं मैं, डिफरेंट सेल वॉल, चलो एक बार बता देता हूँ, ये सेल वॉल प्रेजेंट है जो क्या होती है, सेल वॉल के बारे में हम दोबारा जान लेते हैं। प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स, ये बात हमको पता है कि हम इसके बीच में डिफरेंस पढ़ रहे हैं, जो प्लांट सेल होता है वो डिफरेंट होता है एनिमल सेल से, क्यों, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल की वजह से जो प्लांट सेल वो एनिमल सेल से डिफरेंट है, ठीक है। तो सेल वॉल है वो किससे बनती है, सेल्यूलोज से। सेल वॉल अगर आपसे कोई पूछे सेल वॉल किससे बनती है, आप क्या जवाब दोगे, सेल्यूलोज से। और ये क्या करती है, प्लांट सेल को एक स्ट्रक्चर देती है, प्लांट सेल को एक स्ट्रक्चर देती है, प्लांट को सेल को स्ट्रक्चर देने में कौन मदद करता है, सेल वॉल, ये बात याद रहेगी, ठीक है। इसके बारे में इतने ही डिफरेंसेस थे और यही बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं डिफ्यूजन के बारे में और ऑस्मोसिस के बारे में। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसेंट्रेशन। डिफ्यूजन हैपेंस इन लिक्विड, डिफ्यूजन क्या है, सिंपल सी बात है भाई, डिफ्यूजन एक मूवमेंट है किसका, मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस की मूवमेंट कराता है किससे, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन तक। डिफ्यूजन हैपन इन लिक्विड गैसेस बिकॉज देयर पार्टिकल्स मूव रेंडमली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। डिफ्यूजन जो है ज्यादातर गैसेस में होता है और लिक्विड्स में होता है, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, रेंडमली मूव करते रहते हैं इधर उधर। डिफ्यूजन इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर लिविंग थिंग्स, जो जीने वाले जीव जंतु हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है। इट इज हाउ सब्सटेंस मूव इन आउट ऑफ द सेल, ये इससे कैसे, इट इज हाउ कैसे सब्सटेंस जो है मूव करता है आउट ऑफ सेल्स, ठीक है। ऑन द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ सिंपल डिफ्यूजन इज द मूवमेंट गैसिंग अक्रॉस द मेम्ब्रेन एनिमल्स,
एग्जाम्पल के लिए गैस जो कि मेम्ब्रेन अक्रॉस मेम्ब्रेन जा रही है किसके एनिमल्स के, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजोल्व इन ब्लड, ब्लड के अंदर डिजोल्व करती है जैसे हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, एक्सचेंज बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। ये जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, एक सिंपल प्रोसेस सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है एक्सचेंज होने की। अ सिमिलर प्रोसेस अगर ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड सेल्स, जो सिमिलर प्रोसेस होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेज की बिटवीन ब्लड एंड सेल्स, ब्लड और सेल्स के बीच में जो क्या होती है गैस एक्सचेंज होती है वो भी एक सिमिलर प्रोसेस है, ठीक है। तो एक बार फिर बता देता हूँ डिफ्यूजन क्या होता है। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हाई कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ ए लो कंसेंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। मतलब कोई भी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन पे जाना, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर लो कंसेंट्रेशन होती है जब हम ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, तो बाहर क्या होती है हाई कंसेंट्रेशन होती है, तो ऑक्सीजन लेते हैं तो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन पे आती है। अब बाहर क्या है कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत है और अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी कम है, तो हम जैसे कि आप ये लगा लो एग्जांपल के लिए हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन, अपने बॉडी के अंदर क्या होता है ब्लड होता है, होता है जहां पर ब्लड की कमी होती है वहां पर क्या होगा लो कंसेंट्रेशन बॉडी के अंदर, और जहां पर ज्यादा होगा वहां पर हाई कंसेंट्रेशन। तो ये ब्लड क्या करता है बहता है हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन से, तो यही बात मैं आपको बताने वाला था। लेकिन ये जो ब्लड वाली लिक्विड वाली बात है कहां पर अप्लाई होगी ऑस्मोसिस में। नेक्स्ट स्लाइड खोले ऑस्मोसिस, ये पढ़ाने वाला था। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ ए वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये क्या है मूवमेंट है किसके अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, ठीक है, लिक्विड की मूवमेंट है यहाँ पर। ऑस्मोसिस इज सेलेक्टिव प्रोसेस सिंस द मेम्ब्रेन डज नॉट अलाउ ऑल मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट। ऑस्मोसिस एक सेलेक्टिव प्रोसेस है, ये अलाउ नहीं करती हर एक मॉलिक्यूल्स को जो है क्या करने में, सॉरी यहाँ पर ये क्या, एक मिनट वेट करना, ठीक है। ऑस्मोसिस एक क्या है सिंपल प्रोसेस है जो कि सिंपल सेलेक्टिव प्रोसेस है जो कि अलाउ नहीं करती मॉलिक्यूल हर एक मॉलिक्यूल्स को पास करने में उसके अंदर से। वाटर इज यूजुअली द ओनली फ्री फ्लोइंग मॉलिक्यूल, वाटर जो एक यूजुअली फ्री फ्लोइंग मॉलिक्यूल होते हैं ये वाटर्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जो अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन जो कि इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो जाते हैं, कौन सी सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ऑस्मोसिस द पासेज ऑफ वाटर from a region of high concentration through a semi-permeable membrane to a region of low concentration. Osmosis एक water को pass कराने का process है जो कि high concentration से low concentration पे जाता है through semi-permeable membrane के through, ठीक है। If the medium surrounding the cell has higher water content, then the cell will gain water by osmosis. अगर surrounding के पास जैसे कि roots क्या करती हैं मिट्टी में ज्यादा पानी होता है हाई कंसेंट्रेशन, पेड़ के पास कम होता है तो वो क्या करता है ऑस्मोसिस कर लेता है, वाटर को स्टोर कर लेता है हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर ले जाता है। तो यहीं पर ये बोल रहा है इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हाई वाटर कंसेंट्रेशन देन द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। अगर सराउंडिंग के पास हाई कंसेंट्रेशन है तो सेल क्या करेगा वो प्लांट का जो सेल होगा वो गेन कर लेगा वाटर को बाय ऑस्मोसिस के द्वारा। Such solution is known as a hypotonic solution. ऐसे टाइप की solutions को हम क्या बोलते हैं hypotonic solution. Thank you. Have a nice day. आज हम इस लेक्चर में यहीं तक करने वाले थे। मैंने आपको कुछ बातें बताई थी प्लास्टिड्स क्या होता है, सेल वॉल क्या होती है, सेल्यूलोस की वजह से क्या होता है, ये सब बातें मैंने आपको बताई थी, ये आप याद रखना। कल हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है इसका, इस चैप्टर का, उसके बाद जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।